हमारे इलाके का शायर है कि वो कहते हैं नामुमकिन है ना से, नामुमकिन कहते हैं नामुमकिन है ना से जो मैं तेरे आके आके, वैसे भी मैं तेरे कहने पे लग जाऊं नामुमकिन है ना से जो मैं तेरे आके अली दी इनायत का दर छोड़ दे मां, अरे नामुमकिन है ना से जो मैं तेरे आके अली दी इनायत का दर छोड़ दे मां, कहते हैं नामुमकिन है ना से जो मैं तेरे आके अली दी इनायत का दर छोड़ दे मां, तेरा क्या ख्याल है मैं ये दर छोड़ दे मां ते जहन्नम दी भाग दर छोड़ दे मां, सुभान अल्लाह। हम साहबा के भी गुनाह है, घर पे भी गुनाह है, अली है इमाम हसन सबरे भी फरमाते हैं अली है उसके दुश्मन, वो दुश्मन अली का है जो दुश्मन नकल का हुआ दुश्मन सिद्दीक के अकबर का, सुभान अल्लाह। और अलामा इकबाल बलंदर लाहौर मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल की मोहम्मद आप इरशाद फरमाते हैं कि लोग भी तुम कलम लगन तेरा वजूद अल किताब गुंबद याद की नरन तेरे मुहित में हबाब और आलम आब वफाद ने तेरे जहूर से फरोर हो जर्रे रे को दिया क्या में तुलू याद शोकत सजर और सलीम तेरे जलाल की मूद और फखर जमैद और बाई तेरा जमाल बेनकाब अलामा इकबाल कह रहे हैं यार लोग भी आपकी वजह से कलम भी आपकी वजह से नीला आसमान हमारे इलाके के शायर और इसी शेर की तर्जमा नहीं करते हैं, कहते हैं शरीयत हकीकत तरीकत सुभान अल्लाह, शरीयत हकीकत तरीकत मारिफत सिवा चार यारा दे दसा कोई नहीं सकता, बेशक सुभान अल्लाह, हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, हां चुप की जाहे अला कोई नहीं सकता, डाढे हले सो अमल हक थी से अमल हक कहे होए बला कोई नहीं सकता, असान ने मोहम्मद के नाता बड़े से असान वांग नाता बड़ा कोई नहीं सकता, मजाहिब के झगड़े असान छोड़ बैठे पर मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, सुभान अल्लाह। हम एक बार कहते शौक करते रहा हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, जो अल्लाह और उसके रसूल की दीन के लिए ना निकले हुजूर की इज्जत के लिए ना निकले उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं है, जो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए नहीं निकलता ना नमाज से बड़ा फर्ज है हुजूर की इज्जत पर पहरा देना, बेशक साबित हुआ जुमला फराइज शुरू है असल रसूल बंदगी उस्ताद बल की है, रगों में वो अलामा इकबाल कहते हैं रगों में वो लहू बाकी नहीं है वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है, नमाज रोजा हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है लेकिन तू बाकी नहीं है, अरे सब कुछ है और यहाँ पर मुसलमान के अंदर गैरत बाकी नहीं है, सब फिरे निकलते हैं जिसने नमाज पांच टाइम शुरू कर दे वो अपनी दुकान के ऊपर लिखकर लगा देता है वक्फा बराए नमाज, मैंने कहा इस दफा 17 तारीख को जिन्होंने भी निकलना है ना कम से कम अपने घरों के बाहर या दुकानों के बाहर लिखकर खड़ाए वक्फा बराए नामों से रिसालत, मुझे फोन करके कहता बाबा जी के साथ से पहले मुझे कहता शाह साहब बात यह कि ना मैं ना गरीब आदमी था हम ना घर में अंग्रेजी आटा लेके इस्तेमाल करते थे और ना बाहर से दूध लेके पीते थे, कहते मैं भेरे में जब पढ़ने गया तो वहां पर ना जब मैंने दूध पिया ना खालिस दोस्तों ने मुझे खालिस दूध पिलाया, कहते जब खालिस दूध पिया ना तो मुझे उल्टी आ गया, कहते मेरे वाले साहब की तबीयत खराब हुई डॉक्टर को चेक कराया उन्होंने कहा भी आप घर में ना अंग्रेजी आटा इस्तेमाल करते हैं आप अपने वाले साहब को देसी गिजाएं खिलाएं गंदम खिलाएं देसी गिजाएं खिलाएं इनका मेदा खराब होता जा रहा है, तो कहते हमने जब गंदम इस्तेमाल शुरू की तो अब्बा जी का पेट खराब होने लग गया, कहते कोई कस्सा लग गया मेरा गंदम तकाते आते हम अंग्रेजी आटा और गंदम मिक्स करके खाते रहते, मैंने कहा तेरे घर का मसला तो मुझे क्यों बता रहे, कहते मैं आपको शासा बात समझाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा क्या, कहते मौलवी ने सारे बंद के अंग्रेजी दिन बयान किया और बाबे ने आकर खालिद दिन बयान किया, लोगों को उल्टियां आती हैं।
अब लोगों को दिन समय बदलेगा जमाना लाख अगर कुरान नहीं बदला जाएगा है बोले मोहम्मद बोले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। हां ये आए लोग नबी साहब और मेंबर रह गए सब सियासी गल्लां करने लगे और तुम्हें पता ही नहीं है आप दीन के पीछे चीजा है मस्जिद का तकद्दस इस्तेमाल करते हैं आप यार आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा यार आपको पता होना चाहिए आपने पढ़ा मिस्टर चिफ आपने पढ़ा नेशनल मंडेला आपको पता है मिस्टर चिफ की कहानी याद है फिर आपने पढ़ी आपको याद है अंग्रेज की कहानी है याद हमने बुखारी पढ़ी और हजूर के फरमान याद किए हैं बुखारी शरीफ की हदीस है हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उलमा भी बनी इसराइल के नबियों की तरह सियासतदान होंगे। सुभान अल्लाह वो तो मौलवी नहीं जो सियासी नहीं वो तो मौलवी नहीं जो सियासी नहीं हुजूर की हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासी थे मेरी उम्मत की उलमा भी उन्हीं की तरह सियासत कर रहे थे। हुजूर ने खुद इरशाद बुखारी की हदीस है ये बुखारी इसलिए अल्लामा इकबाल ने ऐसा नहीं कहा जलाल बादशाही हो या वो जमहूरी तमाशा जुदा होती सियासत से रह जाती है जंगी थी। इकबाल कहते तीन सियासत से जुदा हो जाए तो फिर मोहम्मद अरबी का निजाम नहीं आता फिर अलाउद्दीन खान और चंगेज खान आते। जानता हूँ ये मगरिब का जमहूरी निजाम कहते चेहरा रोशन है जरूर चंगेज खान कहते इनके चेहरे रोशन है अंदर से चंगेज खान से भी जालिम है दो साल बच्ची के साथ जिना हो गया उसको तो कोई पकड़ नहीं सकता उसके मुजरिम को पकड़ा भी सकते साहिवाल के बच्चे ने माँ बाप करोड़ के ऊपर दहशत गर्दी के नाम पर मार दिया पकड़ सकते। डॉक्टर अब्दुल खान 20 साल से नजर बंद है किसी ने बात की उसके बारे में डॉक्टर आप ऐसे थे कि 18 साल से उधर अमरीका की कैद में उसकी बहन निकली फौजी थी कि उसको भी पकड़ कर अंदर डाल दिया। कौन सा तबका है जिसे ये खुश है बताए ना किसान निकले ठोकर न्याज पे पर उन पर लाठी डॉक्टर के अंदर हेल्थ वर्कर निकली औरतें निकली वहां इस्लामाबाद में उनको लाठी चार्ज करके अंदर वहां पर सरकारी मुलाजिम निकले डी चौक पर उनको भी हेल्थ उनको भी लाठी चार्ज करके अंदर पाजे निकले उनको लाठी चार्ज करके अंदर बैग वाले निकले उनको लाठी चार्ज करके अंदर बताओ कौन सा तबका है जिससे ये खुश है। वो तबका सिखों का है जिसके लिए गुरुद्वारे बना रहे हैं ये उनसे खुश है ये हिंदुओं से खुश है जिनके मंदिरों का ऐलान किया कि 11 समंदर पाकिस्तान में बनाएंगे बताएं पाकिस्तान मंदिरों के लिए बनाया था। अल्लाह ताला ने आपको फिक्र दी है सोच दी है आपको नजरिया दिया इसलिए दिया कि हमने इनकी गुलामी कर ली। अल्लामा इकबाल तो कहते हैं तैयार इसने अपना मकाम पैदा कर नया जमाना नहीं सुबह शाम पैदा कर खुदा का फितर के शनाख्त है तुझे सबूत लाल अदम से कलाम पैदा कर मेरा गरीब कमीनी नहीं फकीरी है खुद ही में बेद गरीबी में नाम पैदा कर हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान कहारी गफ्फारी और कुद्दूस और जबरूत ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान हो कुरान हो मोमिन कुरान। पूरे मुल्क में सूद का निजाम चलाया हुआ सूद का कारोबार करते हैं और लिखा हुआ था दुकान के ऊपर वल्लाहु खैरुर राज़िकीन रब के कुरान का मजाक उड़ाते हैं हराम कमाते हैं भी लिखा हुआ है आज आमिन फजल रब्बी बसों के अंदर फिल्में चल रही है लिखा हुआ है अल्लाह नबी वारिस और सामने लिखा हुआ है माशाल्लाह वो मुअज्जज से जमाने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीख के गुनाह होकर हुजूर ने इरशाद फरमाया इदा ज़ाहिरत अल-फितन व क़ाल अल-बिदअ व सुबहा सादी फल युज़िरु अल-आलिमु इल्महु मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़ा अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़दिरुल्लाहु सरफ़ व ला अदला। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा इतने आ नहीं गए सारी जिंदगी मौलवी हदीस सुना दे रहे जनाब बंदे के साथ कंधा मिलाकर नमाज पढ़ो दरमियान में फासला हुआ तो अंदर शैतान घुस जाएगा। मैंने कहा जनाब फिर 6 फुट के अंदर कितने शैतान घुसे ये भी बताओ कौन को तू बदल गया तो अल्लामा इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक है तदरवा नहीं दीन शाहबाजी वो कहता तू बदल गया तो शरीयत ही बदल गई। पूरे पाकिस्तान में मस्जिद से रामा मस्जिद रहमत अल आलमीन बची थी हमारे बाबे ने कहा नमाज वैसे पढ़ेंगे जैसे हुजूर ने पढ़ी थी वैसे पढ़ेंगे जैसे सैयद सिद्दीक अकबर ने पढ़ी वैसे पढ़ेंगे जैसे उमर फारूक ने पढ़ी उस्मान गनी ने पढ़ी मौला अली शेर खुदा ने पढ़ी इमाम हुसैन ने पढ़ी वैसे नमाज पढ़ेंगे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बंदे में इतनी जुर्रत ना हो कि कौन से लड़की आंखों में आंखें डालकर हक बात कर सके और बंदा कहे मैं कश्मीर आजाद कराऊंगा किस मुंह से हम कहते हैं कि हम कश्मीर आजाद कराएंगे इतनी तो हमारी औकात नहीं इतनी हमारी हैसियत नहीं इतना हमारे अंदर दम नहीं कि हम चेयरमैन के साथ गरीब के लिए बात कर सके उसकी आंखों में आंखें डालकर हम एमपीए से बात कर सके एमएलए से बात कर सके। बात करते हैं सलाहुद्दीन अयूबी की कि हम सलाहुद्दीन अयूबी के बारे से सलाहुद्दीन अयूबी को जब पता लगा ना कि उस्ताद रसूल ने पुकारा है कि बुलाओ अपने नबी को तो सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि जनाब या अल्लाह आज के बाद सलाहुद्दीन अयूबी उस वक्त तक सोएगा नहीं जब तक तेरे नबी के उस्ताद का सर नहीं उतारेगा। अपनी पढ़े अपने बुजुर्गों की तारीख तो पढ़े हमने तो पढ़े अंग्रेज को हमें इंडिया के हीरो के नाम याद है हमें अंग्रेज के हीरो के नाम याद है हमें अपने हीरो का नाम ही नहीं याद
पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला, राजा दाहर इज अ नेशनल हीरो। देखो ना जो इनकी रियासत है ये बनाते हैं, मदीने का तलाश भी बेहुरमती है, इन्होंने जो इसको नाम दिया हुआ इन्हीं की रियासत में, तो वो राजा दार ही वही बनता है हीरो, लेकिन असल जो रियासत है मदीना थी उसमें तो मोहम्मद बिन कासिम हीरो है। अब कौन के नौजवान अगर ट्विटर पर ट्रेंड चलाए, अगर इनको अपनी तारीख का पता होता, मुसलमान नौजवानों ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाया राजा दार जिसके मुकाबले में मोहम्मद बिन कासिम आया था, उस सिख को कह रहे हैं जिसने अपनी बहन के साथ जिना किया था, उसके साथ निकाह किया था, उसके साथ उसने शादी की, उस सिख के बारे में कौन कहती है वो राजा दार नेशनल, वो कौम का हीरो है, तो बताओ कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया है। आज पूरी कौम ट्विटर पर बैठकर कहती है कि अहमद शाह अब्दाली जो था वो औरतबाज था, कौम कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी लुटेरा था, हमें अपनी तारीख का ही नहीं पता, हम अपने बदहान वगैरह से हम क्या रोना रोए, हमारे अपने यहां पर अपने बुजुर्गों की तारीख को मसख करते जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त है उसने बुक सेंटर खोला हुआ, कहता है मैंने कहानी की किताबें जितनी भी आजकल के ये नावल चल रहे हैं मैंने नहीं रखी, कहता है मैंने रखी हुई है सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन तंगी, अहमद शाह अब्दाली और इनकी सारी हिस्ट्री रखी हुई है, कहता है मुझे लेने कोई नहीं आता, लोगों को कहो सही तो कहते नहीं है तो पुराने हो चुके, मेरे बड़ियों की गल है। मैंने कहा बच्चों का ये हमेशा आप याद रखिएगा, बच्चे जो है ना हर आने वाले दौर का अक्कासी करते हैं कि आने वाला दौर कौन सा है, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको याद होगा कि बचपन में मेरे वालिद साहब मुझे बता रहे थे कि बचपन के अंदर ना हम लकड़ियों की और मट्टियों की गाड़ियां बनाते थे और उनको रस्सियां बांधकर घसीट कर ले जाते थे, फिर वो दौर आया कि हमने गाड़ियां देखी, कहता फिर हमारे बच्चों ने बंदूकें बनाई, क्या कहते हैं पानी की बंदूक, किसी ने लकड़ी की बंदूक, किसी ने किसकी कैसे बंदूक की लकड़ी बनाई, प्लास्टिक की बंदूक, अब दौर बंदूकों का है। आजकल की नस्ल मनसफा नबियां और लबैक के नारे लगा रही है तो आने वाला दौर मोहम्मद अरबी के निजाम का है। इस नारे के अंदर दम क्यों है, नारा लगता है कुफर भी हिल जाता है, कुफर के यार भी हिल जाते हैं, इस नारे के अंदर पता है पावर क्यों है, खुद इस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं। सुभान अल्लाह, मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु व मन सब्बा सहाबियन फजलदूहु, हुजूर ने इरशाद फरमाया जो क़यामत तक नबी की गुस्ताखी करे उन वड़ के रख दो, जेड़ा सहाबा नु भोंगे उन कोड़े में पाओ, इसमें कोई माफी नहीं है कि जेड़ा मर्जी की सैयद के भोंगे थे उन्हें माफी है, साहबा का जो भी गुस्ताख है नमियां पाओ, हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया जाहिर दिल फितन व काल बिदा हो, क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा बिदात का ज़हूर होगा, वसुबास आबी लोग मेरे साहबा की गुस्ताखी करेंगे, हजरत बकर सिद्दीक नहीं हुई गुस्ताखी इस्लामाबाद में, उसको इंग्लैंड भेज दिया और कराची के अंदर एक नौजवान ने रिट दायर की अदालत में कि उस गुस्ताख को पकड़ो जो साहबा का गुस्ताख है, दो महीने बाद उस बंदे को कतल करवा दिया। सजे मुल्क दे वो कहते शायर हमारे लगे गजफर फरीदी, वो कहते सजे मुल्क दे जड़ा है वासी, सारे हम वासी कहते हैं बसने वाले पे, कहते सजे मुल्क दे जड़ा है वासी, वो है परेशान वो है उदासी, अजब कानून है जफर ही मुल्क दे गुस्ताख ने तो माफी ते आशिक को फांसी, मुमताज कादरी फांसी पर लटक गया और आसिया मरूना को तुमने बड़े इत्माम के साथ छोड़ा, क़यामत वाले दिन तो दो लाइनें बनेगी बनेगी, एक लाइन मुमताज कादरी की और एक मुमताज कादरी को फांसी चढ़ाने वालों की होगी, और या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुमताज कादरी वाली लाइन में हमें खड़ा किया, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज ही, लोग कहते हैं जनाब जब असि फड़े जा रहे हो ना हाथ करने लगे लोगों ने ना चौक पे बाद गल कर बड़े गल करता सी इश्क दावे करता सी होने का कीड़ा मठा होया, मैं कह पुत्र जरा तेरा जहन्नम वाले दिन क़यामत वाले दिन जहन्नम में कीड़ा मठा होएगा असि भी मत लवेंगे, टेंशन ना ले क़यामत है अदालत लगनी है, अदालत लगनी है इतने भी है लोग ये बातें भी करते हैं जनाब मौलवी साहब यार गल है कि यार गल तुम भी करते हो गल साढ़े पीर साहब दो नंबर जेड़े भी सिगरेट कट्ठे ला के बैठे लोग उन्होंने भी बड़े बैठे भी बंदा है सिगरेट ले ले ये भी कट्ठे लाई बैठे पहुंची सरकार, ये हकीकत बात ऐसा हो रहा है
हमारे इलाके में एक गेलेवाल के इलाके में एक सैयद है, वो चर्च बैठता है, लोग उससे भी जाकर तवीज लेते हैं। वो नाम निहाल सैयद है ना, जो सैयदों का नाम भी बर्बाद कर रहे हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो, सब कुछ हो, तुम्हारे अंदर भी गैरत भी है। आज उठें बस करें, रसूलुल्लाह का दीन आपके सामने, पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बने, ये नारा तो कैद आजम ने लगाया था। लोग कहते हैं जनाब मौलवी साहब गलत है, तुझे भी वही करते हो, साढ़े पीर साहब भी वही करते, दीन तो तुझे भी बयान करते हो, वो भी करते हैं। यार फिर छापे ताड़े का क्यों, मेरे हाथ कड़े तो क्यों लगते हैं, डाले ताड़े का क्यों आने, ये वजह की है ताड़े उत्ते परचे क्यों, उन्होंने कद नहीं होया। मैं कह जनाब साड़ी गल ही नहीं, असी अलाना मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी आशिक रसूल हकीम और उम्मत पूछ लेने, जनाब आप दस दौ कि साढ़े दे पीर साहब के बीच कोई फर्क है। अलामा इकबाल कहते दस दें क्यों नहीं, कहते अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लैके कहते दोवे के लफ्ज भी था, मानी भी था, दीन उन्हों का भी हो, साडा भी हो, फर्क ही है, कहते अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लैके मुला की अजा और है, मुजाहिद की अजा और है, بتوں کو میری دادی نے مبارک کہ ہے آج آتش اللہ ہو سزا وہ کہندے آج صرف آرزوئیں نہیں پیدا ہو گئی سارے گھر میں کہ یار تو محمد بن قاسم کی غیرت اللہ سارے گھر بھی اللہ پیدا کر دے یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی دو سال تک صلاح الدین ایوبی جب استاد کی ہوئی دو سال تک صلاح الدین ایوبی سستا نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی سستا رہے حضور کی گستاخی ہو گئی ایسی سکھے رہی ہیں دو سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں سستیا تھا اج حضور کی دسو نے یار تواڈے جوتے ہر بندہ چار عزت دا محافظ ہے میں اپنی گل کر دے وچ چلو میرا کوئی چوک ہے یا اس علاقے دے کوئی بڑے پیر صاحب دا چوک ہے بندہ کارٹون بنا کے لا دے ایتھے گجرات دے وچ پیر صاحب دے میں منہ چھڈا کے لوگوں نے پیروں کے خلاف کر لوے لوگ فتوی دے رہے ہیں غدار اسلام ہو گیا غدار اہل سنت ہو گیا جناب اگر پیر دے خلاف گل ہوئی تے غدار اسلام ہو گیا تے رسول اللہ دے خلاف گل ہوئی تے کیوں کوئی نہیں بولا سانو بھی کوئی آگے سمجھاؤ دین اسی بھی پڑھا تو بابا سانو خالص دین دس گیا ہے امر بن عبد بت 10,000 بندے کل لڑتا سی عرب دے وچ بہت بدماش سی مشہور سی وہ لڑتا ہی نہیں سی عرب وچ بہت دلیر آدمی خندق کراس کر کے آ گیا جب ختم دراز کر کے آئے تو انہیں آگے مدینے جواز لائی انہیں کہا اے ہے تاڑے جی جڑا میرے نال آ کے لڑے جنے کی ماں تو دودھ پیتا ہوئے سب تو پہلے مولا علی جڑے ہوئے سبحان اللہ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ سامنے مر بنا کر دیتے ہیں مولا علی پھر انہیں آواز لائی پھر مولا علی کھڑے ہو گئے پھر حضور نے بٹھایا پھر تیسری باری آواز مولا علی پھر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کے حضور کے سامنے ہاتھ جوڑے حضور ہونے چاچا دے دے اے نہیں کہ حضور اجازت دے میں کو تبلیغ کیتی ہاں اسلام دا پہلے محبت نہ میں اس کو تبلیغ کرتا ہوں یہ لڑائی والی باتیں نہ کرتا 10,000 کے ساتھ کرتا ہے اسلام تو برابری کا دس دیتا ہے مہربانی فرما کیا باتیں کرتا ہے فرمایا حضور اجازت دے میں اس کا سر اتاری ہوں حضور علیہ السلام سے یہ امام نے لکھا ہے فتوح الشام میں بھی لکھا ہے اور سور الہدان میں بھی لکھا ہے حضور نے مولا علی کے سر پر خود امام شریف باندھا سبحان اللہ اور حضور کا نام آپ کو کہیں کسی حدیث میں نہیں ملے گا ہم بھی 9-11 سال پڑھے ہیں اور سن بھی رہے ہیں نہیں ملے گا آپ کو حضور کا نام اور نبی اور تسبیحوں والا نبی نہیں ملے گا آپ کو لیکن حضور کا نام یہ ضرور آپ کو ملے گا نبی اور سیف تلواروں والا نبی یہ نام حضور کے ہے نبی اور سیف تلواروں والا نبی یہ نہیں ہے نبی اور تسبیحوں والا نبی حضور نے مولا علی کے سر پر امام شریف باندھ کر نبی اور سیف تلواروں والے نبی نے مولا علی کو خود تلوار عطا کی سبحان اللہ اور جب بھیجا تو حضور نے ارشاد کیا فرمایا حضور نے فرمایا ادھر سے پورا کفر لڑنے آ رہا ہے ادھر سے پورا اسلام جا رہا ہے سبحان اللہ جب مولا علی گئے اس کے سامنے اس کو جا کر کہا اے
मैंने सुना है जो तेरे साथ घर में आए उसकी तीन बातों में से एक बात मानता है। उसने कहा जी मानता हूँ। मौला ने फरमाया यार मेहरबानी फरमा, इस्लाम को मोहब्बत का दर्ज देता है, अखलाक का दर्ज देता है, यार खुदा दा खौफ कर, लड़ाई की गल्ला ना कर, ऐंज ना कर। मौला ने फरमाया ओए पहली गल है चुप कर दे, हुजूर दा कम्मा पड़ गया। उन्हें कहा नहीं हो सकता। मौला ने फरमाया चलो दूजी गल है तेरा सिर नहीं लावा, तेरी गर्दन नहीं लावा, हली की वक्त है नस जा, हली वेला है नस जा। अगर मैं नस गया रब ताने देने दस हजार बंदे गल लड़ता से अज एक ही डर गया आ गया नहीं हो सकता। मौला अली नहीं फरमाया तीजी गल आया को नबिया का पीर पीर लोखड़ा नबिया के भी पीर ने चलो मैं तो गेंद में चाली नहीं गए चिल्ला सन कटे सन से सोचे सन इस्लाम तो पहले हाथ से तबलीग करेंगे हुजूर कलमा पढ़ ले नहीं। मौला अली ने फरमाया तीसरी बात यह मैदान खाली पड़ा है चल मैदान में आ। मेरी बात नहीं है ना हुजूर के इरशाद है। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया भर इस्लाम का परचम बुलंद हो। सुभान अल्लाह। वो 126 दी बच्चे में जाना ले नहीं आंगे ना, ए उना दे चापलूसियां करण वाले मौलवी पीर तक नहीं आंगे ना, उना दे दरवाजे ते जाके उना नु मंगण वाले ते उना दे मिसाल रब ने कुरान दी मैं ते गल ही नहीं कर रहे सिर्फ तुसी कुरान हदीस पढ़या असी कुरान हदीस दी गल कर रहे हैं। जेड़े मौलवी पीर हुक्मरान दे दरवाजे ते जाके उना नु काम करवाने ना उना दे बारे रब ने की आख्या सूरह आराफ की आयत है 175-76 पत्रवाने में न बल लगी आती ना उन आयत ना बात पाओ शिकवान पकाने में लगावी मतलब शिकना लगाना वो बिहार ला किन्ह हम अखल दे गए अब बत्ता हवा उस मसल हूँ कमसल इस कल इन तहमील आ रही या लग रहा है पत्रों को या लग बड़ो जाके इतसार मुफसरीन ने लिखी है सैयद अब हसनात कादरी मोहम्मद अहमद कादरी तफसीर तफसीर हसनात जे लिख पे के लिखी है तो आपने भी ये लिखा है गुलाम रसूल सैयदी साहब ने लिखा सैयद अब आसान जब سید ابو الحسن محمد احمد قادری یاد ہے پتر سن سید خلیل احمد قادری ساڈے بزرگ سارے جنے گئے او بندہ حسین دا نام نہ لیا کرے جیڑا امام حسین دی طرح کم از کم قربانی نہیں دے سکدا او امام حسین دا نام نہ لے جڑا انہاں دے نقشے قدم نہیں چل سکدا او حسین دے نام تے لنگر نہ کھاوے نہ ہی کی کھاوے نہ ہی سبیل پیوے ہاں او بندہ کم از کم چلے جڑا انہاں دے نقشے قدم تے ٹرے اجے تیرے کردار دے حسین دے گفتار دے حسین دے کردار دے حسین کینے بننا ہے ओ बंदा इमाम आजम से तकलीफ करना छड़ देवे जेड़ा चलो कम से कम जेल से जनाजा नहीं निकलवावे जेल से जावे इमाम आजम का जनाजा जेल से निकलया सानू अपने तारीख ही नहीं पता असि खुद अपने बच्चे नु पता नहीं केड़े अंग्रेज दी तालीम जेड़ा सारे कुरान नु जलाने नौज बिल्ला जेड़े कुरान नु लैटरीन ने सुसे जेड़े मुसलमान बेटे नु ज़िबा करके रख गए पूरी दुनिया तुसी जिथे जाओ तुसी दसो यार तुसी सारे को जवान खड़े तुसी दसो ईमानदारी वाली गल है पूरी दुनिया दे विच बुश इवां ओबामा ट्रंप इन्होंने पूरी दुनिया मुसलमानों नु ज़लील रुसवा कीता ज़िबा कीता है नहीं कीता बुश ने पूरे अफगानिस्तान नु खंडर नहीं बनाया अफगानिस्तान दे विच कंटेनर एंड मुसलमानों नु बंद करके तलो अग ला के दाणे दी तरह भुन दिता उन्होंने सदाम हुसैन ने उन्होंने ईद वाले दिन फांसी दे दी है ट्रंप ने मोहम्मद मरसी की बेटी नु फांसी चढ़ा दी बेटिया नु भी कोई फांसी दे दे कुफर इतना आगे आ गया कि वह साडे बेटिया नु भी फांसी चढ़ा रहा है आफिया सिद्दीक की ओर लुट के लै गया इराक उन्होंने पूरा तबाह बर्बाद कर दिया शाम में मुसलमानों पे उन्होंने बीमारियां कीतियां पूरी बर्मा दे विच मुसलमान बैठे थे पिस्तान कट के उन्होंने कबाब बना के खाधे यार पूरी दुनिया कश्मीर पूरा मुद्दी लुट के लै गया 15-15 हिंदू फौजी मुसलमान बेटियां नाल मस्जिद में जिनाह करते दसो यार दुनिया के किसी अखबार में दुनिया के किसी अखबार में ट्रंप नु ओबामा नु बुश नु मोदी नु दहशतगर्द आख्या होवे असी रसूल अल्लाह की तलवार की गल करिए साढ़े तो दहशत करती है परचे आपको जुलम ना करना कोई ते फजा पर थी डरना जिस दिन आप अदालत रखसी दिल ते लिखिया भरना जालिम जुल्मों ना ही डरदे ना ही खौफ उडादा कर दे आपने कीते आपे ही मरदे इत्थे उत्थे हो अनसार बस करियो इल्मो यादा
मुसलमान ने नहीं साडे बाबे नु जेले पाया आज उन वो बीमारी लगी जेडी कायनात की नु लगी ने उन पुछण वाला ही कोई नहीं साडा बाबा भी ते गया फिर बाबा जी कह रहे थे पुत्रा बड़े जनाजे को मनाने नाल नहीं मोहम्मद है तेरी गुलामी नाल लबैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लबैक लबैक या रसूल अल्लाह लबैक 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 ڈاکٹر عبد القادر خان ساڈا محسن نہیں بیس سال تو نظر بند ہے کہندے چھ سال ایسا نظر بند کیتا ہے کہ مینوں اپنی بیٹی نال نہیں ملن دتا سہیب بنایا جنوں دے کوئی یوٹیوب تے پیا ہوتا تے تسی سنو انٹرویو اندے نے پوچھے جناب بتاؤ پاکستان ترقی کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے پاکستان دوبارہ اس کے کسان تاجر جس کے دکاندار سارے بحال ہو سکتے ہیں ترقی کر سکتا ہے انہوں نے کہا جی ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے پاکستان ترقی کر سکتا ہے لیکن کہتا ہے اب ہم نے قسم کھائی ہے اس قوم کی خدمت نہیں کریں گے اگر جناب تھوڑے کو غلطی ہوئی ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے جو اس قوم کی خدمت نہیں کرنی کہنا جی جناب میرے کو غلطی ہوئی ہے تیری حد تک میں رب کی نو معافی مانگتا یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی میں نو معاف کر دے کہنا کی غلطی ہوئی ہے کیسا اس قوم نو میں ایٹم بم بنا کے دیتا میں دنیا کی سب سے بڑی غلطی میری ہوئی ہے اے دیکھ تھوڑے موسم پہ کے رو رہے ہیں انہاں تے یوٹیوب تے تسی بلڈ بھی پیا سنو اگے سٹی کی 18 سال سے امریکہ دی کہہ دے بھی کنے گل کرنی ہوندی علامہ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تم مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے ادھر ہو ادھر باتیں حق را سجود سنم آرا بتوا پہ بہتر ہے کہ چراغ حرم و دیر بجھا دو میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کی سینوں سے میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو اقبال کہتا ہے کہ یہاں پہ رب کے سجدے کرتا ہے جو اتنے جا کے حرم کی گلا کرتے ہیں ادھر رب کو سے جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں آج ہمارے اندر کی بات ہی نہیں رہی وہ ہمارے علاقے کا شاہ شجاع بادی وہ کہتا ہے خدایا خود حفاظت کر خدایا خود حفاظت کر تیرا فرمان وکدا پے کتھے دین دا سودا کتھے ایمان وکدا پے کتھے ملنا دی ہڈی اچ کتھے پیرا دی شوکے سے اچ میرا ایمان نہیں بدلیا مگر تیرا قران وکدا پے میرے ملک وچ خدا ڈالر میرے ملک وچ نبی پیسہ ترقی دی ہوس دے وچ ہر ایک انسان وکدا پے کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں حق بات کرو وہ کہتے ہیں نا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ ہے ایسے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ستر سال ستر ہزار ماں بہنوں نے عزتیں لٹ رہی 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا ان ڈیروں کے لیے بدماشوں کے لیے بنایا تھا غلامی کے لیے بنایا تھا علامہ اقبال تو کہتا ہے مسلمان نوجوان کی شان کیا ہے اقبال کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے وہ کیا جادو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں پاؤں سے گجر ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا تمدن آفری خلا کے آئین جہاں داری وہ صحرا عرب یعنی شتر خانوں کا گہوارا غرض میں تجھے کیا بتاؤں وہ صحرا نشی کیا تھے جہاں دارو جہاں گیرو جہاں بانو جہاں آرا اقبال کہتا ہے جو صحابہ نے ہمیں نظام دیا بتاؤ صحابہ سے بڑا کوئی مفسر ہے نہیں صحابہ کو بڑا کوئی محدث ہے نہیں صحابہ سے بڑا کوئی قاضی اور قضاۃ چیف جسٹس ہے نہیں صحابہ سے بڑا کوئی تاجر ہے نہیں ان سے بڑا کوئی معیشت شان ہے نہیں ان سے بڑا کوئی قاری ہے نہیں یار وہ سب کچھ تھے جنرل بھی تھے کمانڈر بھی تھے چیف جسٹس بھی تھے محدث بھی تھے مفسر بھی تھے پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے دار العلوم یونیورسٹی بھی چلائی سب کچھ کیا جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کوئی سائنس دان ہے یا کوئی سیاست دان ہے اب کوئی معیشت دان ہے یا کوئی تاجر ہے اب کوئی جو مرضی ہے مفسر ہے یا کوئی محدث ہے اب کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے سارے حضور کی عزت کے لیے یہاں میں پہنچو سبحان اللہ آج ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں یا 10 سال حضور نے خود سیاست کی سیدنا صدیق اکبر جب آپ نے خود آپ نے سیاست کی جب آپ امیر المومنین بنے آپ بیٹھے ممبر پر عام ممبر پر بیٹھے آپ نے پہلا قوم کو سیاست سکھا دیا
یہ صحیح طرح سیٹیگر پر خطبہ ہے، میری بات نہیں ہے۔ جیسے رات کو 10 بجے وزیر اعظم بنتا ہے تو اس کا 10 بجے خطبہ چلتا ہے، خطاب چلتا ہے، کون سے پہلا خطاب؟ صحیح طرح سیٹیگر پر کون سے پہلا خطاب؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد قلت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنتم فأعینونی وإن أساتوا فقوّمونی، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أركيه الحق إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذه الحق منه إن شاء الله تعالى۔ فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا، بنا نہیں، دو کروڑ بھر کے فون نہ دے، ہوں 11 جماعت بچ گئے ہیں، الیکشن ہے، جلادہ لگا قوم بھی کتنی ہمارا یار، اتنے ہم غلام بن چکے ہیں کہ سادہ پانی مشینیں پا کے بوتلیں پا کے سنوں گے، اتنے ہمارے، ہمیں بھی آج بھی یاد ہے، میری دادی اماں رات کو کھانسی تھی نا، صبح سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا، اما جی تعلق ہویا کی ہے، آج نال کوئی مر جائے پوچھتا ہی نہیں، روٹی کھان پہنچا دیں، ہمارے اندر کوئی یار نہیں، کسی غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا کہ یار غریب نال ہو گیا یار، اچھی برائی پوچھیے پیٹی ہے تو مسئلہ کی ہے، غریب نال کی کرنے لگے۔ حضور کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا میرا دین غریبوں سے شروع ہے اور قیامت سے پہلے غریب ہی اس کو لے کر آئیں گے، دین تو آنا ہی آنا ہے، ایسا بھی وقت آئے گا کون مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے، جا رکھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جامِ شہادت۔